नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय शिव शंकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसके कारण दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और बस आपको बर्बाद करने के बारे में सोचता रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ जीवन में कुछ बड़े चमत्कार भी होने वाले हैं जिनकी वजह से दोस्तों आपकी राशि के जातकों के जीवन की सारी समस्या, सारी की सारी दुख तकलीफों से और सारे के सारे कष्टों से आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि शिव शंकर की कृपा से और बजरंगबली के आशीर्वाद से जो ये व्यक्ति है ये अब आपका पीछा छोड़ के कहीं और जाने वाला है, आपकी जिंदगी से दूर। इस व्यक्ति ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत सताया है, लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को इससे बिल्कुल दूर हो जाना है। जी हाँ दोस्तों आपकी जिंदगी में जो बुरे दौर चल रहे हैं, आपकी जिंदगी में जो आज इतना खराब स्थिति बनी हुई है, इसकी वजह दोस्तों कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जो पिछले कुछ समय से आप लोगों के पीछे पड़े हैं। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पहले मिल गई होती तो शायद आप लोगों का जीवन ऐसा नहीं होता जैसा हाल आपका आज है। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गए होते अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में ना होता। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे अंत तक देखिएगा व इसका लाभ भी अवश्य प्राप्त करिएगा। वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है और 100% सटीक बैठने वाली है, तो इसे अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों बाद में पछताने से कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं कि मौका मिलने पर उसका सही लाभ नहीं उठा पाते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा पछताने लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह दोस्तों अपने प्यारे हाथों से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय हनुमान, जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि दोस्तों हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप जिससे भी दोस्ती करते हैं उससे कुश्ती हो जाती है, जिसका भला करते हैं वही आपके साथ में बुरा करने लग जाता है। आपको बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन हो रही है, यदि आप लोग करें भी तो क्या कर सकते हैं। आप लोग बहुत ही सीधे और सरल प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपसे यदि कोई गलत कार्य भी करने के लिए कहता है तो आप लोग तैयार हो जाते हैं। आप लोगों का दोस्तों यही आदत है जो आप लोगों को नीचे गिरा देती है। आपको बता दूं कि अगर आप ही वजह से किसी भी इंसान को आहत होती है, किसी को भी यदि दुख भी होता है तो उसकी सजा आपको अवश्य मिलती है। फिर आप लोग अच्छे और सीधे स्वभाव होने का कोई भी लाभ आप लोग नहीं ले पाते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आप लोग सीधे हैं तो इतने सीधे मत रहिए कि कोई आपसे बुरे कार्य भी आसानी से करवा सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अच्छाई के लिए आपको कार्य करना है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीधे सरल रहिए, नरम दिल के इंसान रहिए। दोस्तों आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको किसी की बातों में आपके बेवकूफ़ बनने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बताएं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। चाहे आपको सजा मिली हो या फिर आपको फल भी क्यों ना मिलना हो, दोस्तों ईश्वर के घर सब मिलता है, लेकिन आपको देर से मिल सकता है तो किसी को जल्दी भी मिल जाता है। याद रखें कि कलयुग में तो इसके साथ ही साथ देखने को भी मिला है कि आज किसी के लिए अगर आप बुरा करेंगे तो कल आपके संग अवश्य ही बुरा होगा, लेकिन किसी किसी के साथ में थोड़ा देर ही से होता है, इसलिए आपको लगता है कि शायद भगवान हमारी नहीं सुनता। तभी जिस व्यक्ति ने हमारे साथ इतना गलत किया है उसका बाल भी बाकर नहीं हो पाता। याद रखें कि ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि हमने तो पिछले समय बुरे कार्य किए थे, करके देख लिए, कुछ भी नहीं होता है हमारे संग, ऐसा सोचने की भूल ना करें। आपको बता दूं बाद में बहुत ज़्यादा आप पछता सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वे लोग कौन हैं जो आपको बुरा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम, हमारे कष्टों को दूर करो, हमारे घर में आपका स्वागत है अवश्य लिखें। तो दोस्तों बता दें आपको,
आपकी भलाई जो व्यक्ति नहीं चाहते हैं, आप किस प्रकार बर्बाद हो जाए इसके बारे में वे दिन रात सोचते हैं। दोस्तों बता दें, ये बहुत सच्ची बात है। भले ही आपको सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, पूरी बात को गौर से सुनना होगा। देखिए, जो लोग आपको बार बार ये बात कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप इस चीज़ को समझ जाइए कि यही लोग हैं कि जो सिर्फ आपको पेड़ पर चढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन उतारने का कार्य वे नहीं जानते हैं। कुछ लोग होते हैं दोस्तों कि ऐसे कार्य में आपको फंसा सकते हैं जहां से आप लोग जल्दी निकल नहीं सकते। पहले तो वे ये कहेंगे कि सब आपके साथ हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ पर लगेंगे तो धीरे धीरे करके सब व्यक्ति आपके साथ छोड़ देंगे। और पिछले समय कुछ लोगों ने ऐसा ही कुछ आपके साथ किया है। सबने मदद देने का नाम लिया है और समय आने पर सब बहाना बनाकर निकल लिए। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन है और हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बच के रहिए जिंदगी में, तो आप फायदे में रहेंगे। दोस्तों आप अच्छे कार्य करेंगे अगर अभी से, तो भी आपकी जो भी पाप होगा सब प्रायश्चित हो जाएगा। दोस्तों भगवान के सभी शिष्य होते हैं, सभी उनके बालक होते हैं, इसलिए भगवान कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन आदमी जो है दोस्तों विनम्र होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर घमंड नहीं है और आपसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है, तो दोस्तों भगवान क्षमा करने के लिए हमेशा आपके पास उपलब्ध रहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि आपसे यदि कोई भूल चूक में कोई गलती हो गई है, तो दोस्तों वो भी भगवान आपके माफ़ कर देगा। इसलिए आप लोगों को ईश्वर पर ही भरोसा रखना है। लोगों की बातों में इतना नहीं आना है कि आप अपना ही आहत कर लें, अपना ही नुकसान कर लें। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये लोग कुछ ऐसे होते हैं कि आपके मन में, आपकी गहराई में ऐसे विचार डालते हैं कि आप लोग अपने जीवन से निराशा महसूस करने लग जाते हैं। हमारे अंदर लड़ने की क्षमताएं कम होने लग जाती हैं और गहरे नकारात्मक विचार हमारे मन में घर करने लगते हैं। ठीक दोस्तों इसके विपरीत आपकी राशि में एक ग्रह ऐसा भी है जो आपको फायदा पहुंचाने की स्थिति में आ चुका है और आपको आने वाले समय में बहुत सारे लाभ देने वाला है। आपकी व्यापारिक स्थिति या फिर आप नौकरी वगैरह भी करते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपकी स्थिति मजबूत होने जा रही है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो हमने आपको इन लोगों के बारे में बताया, इनसे आप खास सावधान रहें तो ये आप लोगों के भविष्य के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इसलिए दोस्तों आपको ये खास उपाय करने हैं, तभी आप कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। आप स्वभाव से बेहद नरम दिल इंसान हैं और दोस्तों इसी बात का लाभ लोग दोस्तों उठाते हैं और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, खुद को बेचारा और दुखी दिखाकर आपकी हमदर्दी को लूटते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी धन दौलत, आपके मान सम्मान को भी लूटते रहते हैं। लोग आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें भी कह जाते हैं जिसे सुनकर दोस्तों आप दंग रह जाते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। जिनके ऊपर मैंने विश्वास किया, बुरे समय में मैंने उनका साथ दिया, वही इंसान आज मेरे पीठ पीछे छुरा भूख रहा है। जिस थाली में खाया उसी थाली में ये छेद कर रहा है। ये समय दोस्तों आपके लिए बेहद सतर्क रहने का समय है। इस समय आपको किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। आप दोस्तों बता दें, यदि आँख मूंद कर भरोसा करेंगे और अपने जीवन की बड़ी जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे, तो 100% आपको धोखा ही मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बता दें अब कि वे कौन इंसान हैं जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए कई वर्षों से आपके पीछे भी पड़े हैं। यदि दोस्तों आप उनसे और भी ज़्यादा सफल प्राप्त करेंगे, हद से ज़्यादा दोस्तों मंथली कमाएंगे, तो वह आपको जान से भी मार सकता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि उनसे आप आगे ना बढ़ें, जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि ईश्वर के आशीर्वाद से आप आगे निकल गए हैं, तो वो इंसान आपको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए इस इंसान की पहचान करना बेहद ही आवश्यक है और इस इंसान को जानना भी बेहद मुश्किल है कि जिस इंसान के ऊपर आपने भरोसा किया, उनसे आपने प्रेम किया, जिसके लिए आपने दोस्तों अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उसके लिए आपने अपने हर रिश्ते को ठुकराया, अंतिम सांस तक दोस्तों उनकी आप मदद करते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितने भी परेशानी झेलनी क्यों ना पड़े,
आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें, धोखेबाज लोगों से पहचानने में समय लगता है क्योंकि सबको आप अपना समझते हैं और दोस्तों आपके अपनों में ही आपके दुश्मन छिपे हुए हैं। यदि आप प्यार मोहब्बत में भी पड़ रहे हैं तो सावधानी बरतें। हो सकता है कि जिस लड़की को या लड़के को आप पसंद करते हैं वह आपसे नहीं, आपके पैसों से या फिर आपकी धन दौलत को प्यार करती हो। आपको उस व्यक्ति को आजमाना होगा, आपको उसे आजमाना ही होगा, नहीं तो दोस्तों जीवन काल में आप बड़ा पछताएंगे। आपके पीछे दुश्मनों की कमी नहीं है जो आपको धोखा दे। आपको दोस्तों इन नाम लोगों से बचकर भी रहना है जिनका शुरू अक्षर है दोस्तों का, मा, दा और सा और ता। इन नाम वालों से दोस्तों आपको बचकर रहना होगा। आपकी ज़िंदगी में यदि यह लोग हैं तो आपकी बर्बादी ये सिर्फ चाहेंगे। तो इन सभी बातों को आप लोगों को अपने जीवन में उतार कर सफलता का मार्ग चुनना होगा और ऐसे दुष्ट लोगों से आप दरकिनारा कर दें। आप दोस्तों प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही मंगलवार के दिन जाकर के भी आप मोतीचूर के लड्डू चढ़ा सकते हैं। साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए सुबह के समय पीपल की जड़ में एक लोटा जल डालें। आपका जीवन दोस्तों मंगलमय हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी